राजधानी की बात करो तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ऊंचे पहुंच गया है। ये 350 के करीब रेड जोन में आजकल चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही प्रभाव देखने को मिला है। इस टाइम हर सीजन में, हर बार इस सीजन में इस टाइम पे पॉल्यूशन बढ़ता है, और पॉल्यूशन बढ़ने के कई कारण रहते हैं, जिसमें व्हीकल पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल है, जिसमें हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, डीजल की गाड़ियाँ स्पेशली, या कोयले का बर्निंग करना, और कई बार खेतों में जो स्टबल किसान भाई करते हैं, स्टबल बर्निंग जो होता है, इनकी वजह से पॉल्यूशन इस टाइम पे ज़्यादा हो जाता है। हवा थोड़ा ठंडा होता है और उसमें वाष्प भी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से पॉल्यूशन, जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो हवा में लटके रहते हैं। ये सस्पेंडेड पार्टिकल जिनका साइज 2.5 माइक्रोन से छोटा था, वो ज़्यादा घातक हमारे लिए होते हैं, जो कि लंग की गहराई में चले जाते हैं और लंग्स को डैमेज करते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ जहरीली गैसेज भी होती हैं और कुछ हैवी मेटल्स भी होते हैं, जो कि हमारे श्वास के थ्रू हमारे शरीर में जाते हैं और वेरियस ऑर्गन्स पे वो इफेक्ट डालते हैं। यदि हम वेरियस सिस्टम या अपने अंगों की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा असर हमारा फेफड़े पे इनका आता है। अल्दो पेशेंट को, बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे राइनाइटिस यानी कि जुकाम होना, नाक से पानी आना, छींके आना, गला ख़राब होना, ये बहुत कॉमन है। इसके साथ ही लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो लोग ऑलरेडी लंग कंडीशन से इफेक्टेड हैं, जैसे जिसको ब्रोंकल एस्थमा है या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या जिसको एम्फाइसीमा है, कोर पल्मोनरी है, ये वो पेशेंट है लंग्स कंडीशन के, जिसमें के इस सीजन में बहुत ज्यादा एक्यूट अटैक्स पड़ते हैं और इनको हॉस्पिटल आना पड़ता है। इसकी वजह से आजकल हमारा रेस्पिरेटरी कंडीशंस की वजह से ओपीडी के अंदर पेशेंट्स का आवागमन भी ज्यादा हो गया है, फुटफॉल बढ़ गया है, और इमरजेंसी में भी काफी पेशेंट इसके साथ, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है या ज्यादा बलगम आना शुरू हो जाता है, वो आने शुरू हो गए हैं। एडमिशन भी थोड़ा हमारा बढ़ गया है।